अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माई यूट्यूब चैनल मीरब का किचन। तो आज हम बनाएंगे आइसक्रीम केक, कोल्ड आइसक्रीम केक। बहुत ही आसान सी रेसिपी है, ईद स्पेशल केक बनाएंगे। तो चलें रेसिपी को करते हैं शुरू। वीडियो को ज़रूर एंड तक देखें। सबसे पहले आप कोई भी बिस्किट ले लें। मैंने इस तरह के बिस्किट का एक डिब्बा लिया है और इसको हम इस तरह पीसों में कर लेंगे, इसके पीस बना लेंगे छोटे छोटे। ज़्यादा इसको चूरा भी नहीं करेंगे, तोड़ना ज़्यादा नहीं है, बस पीस इसके नज़र आने चाहिए। तो ऐसे ही हम इस तरह कर लेंगे। आप कोई भी बिस्किट ले लें, जो भी आपके पास हों, इस तरह आप बना सकते हैं, चॉकलेट के हों या दूसरे। इसको अच्छी तरह सेट करेंगे और इसको कर देंगे एक साइड पे। अब एक बाउल लेंगे, उसके अंदर डालेंगे व्हिप क्रीम, डबल क्रीम। इसको बीट करेंगे एक मिनट के लिए। और अब इसके अंदर डालेंगे जिस चीज़ फल का आपने बनाना हो केक, उसी फल की आप इसमें जेली डाल सकती हैं। मैंने रसबेरी का बना रही हूँ, तो रसबेरी की मुझे जेली नहीं मिली। ये है स्ट्रॉबेरी की, तो वो मैं इसके अंदर डालूँगी। 3 या 4 टेबलस्पून मैंने डाले हैं ताकि अच्छा सा कलर आए। एक मिनट के लिए और इसको इस तरह कर लेंगे। अब इसके अंदर डाल लेंगे कॉर्नफ्लोर मिल्क। ये आप अपने टेस्ट के हिसाब से डालें, कम या ज़्यादा। मैं इसके अंदर 1/2 कप डाल रही हूँ। ये भी मेरा होममेड है। इसकी रेसिपी का लिंक मैं इसके अंदर इसी रेसिपी में दूंगी, तो आप देख सकते हैं। बहुत ही क्रीमी और बहुत ही इजी है इसकी भी रेसिपी।
तैयार है, इसको ना तो हमें बेक करना पड़ा है, ये देखें बहुत ही मज़े का इस तरह ये से भी हमने ऐड कर ली है। अब इसके ऊपर डाल देंगे, इसके दरमियान में रखेंगे रेसबेरी, ये फ्रीज़ हुई है ये, इसलिए इसका कलर इस तरह का है। तो ये दोनों तैयार हैं, एक को रखेंगे फ्रिज के अंदर और दूसरे को हम फ्रीज़र में रखेंगे कि डिश अगर आप ओवरनाइट बना के रखें तो बहुत ही मज़े का ये केक तैयार होता है। तो मैं इसको रखूँगी 1 घंटे के लिए फ्रीज़र के अंदर। 1 घंटे के बाद ये देखें, 1 घंटा भी नहीं अभी हुआ तो हमने निकाल लिया है, क्योंकि बच्चों ने देख लिया था बनते हुए तो उनको जल्दी थी कि हम इसको खाएं, क्योंकि उनका ये फेवरेट केक है। तो मुझे इसको जल्दी ही निकालना पड़ा है क्योंकि अभी ये अच्छी तरह सेट नहीं हुआ। तो आप जब भी बनाएं तो आप उसको सेट करें, पहले थोड़ी देर रखें ताकि वो अच्छा सा फ्रीज़ हो। गार्निश कर लेंगे, बहुत ही मज़े का ये केक हमारा तैयार हुआ है। और अगर इस केक को थोड़ी देर के लिए और हम रखते हैं तो बहुत ही अच्छे से इसने सेट होना था, बहुत ही अच्छा इसका टेस्ट है अभी भी, क्योंकि बहुत ही ठंडा ठंडा क्रीमी क्रीमी सा टेस्ट है। बिस्किट है इसके अंदर, उसका अलग जायका है। और दूसरा भी अभी चेक करते हैं। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर ज़रूर करें। तो इसको भी हम ले आए हैं, दूसरे वाले को भी, ये देखें ये भी थोड़ा सा सेट हुआ है, क्योंकि अभी सिर्फ 1 घंटा हुआ था इन चीज़ों को रखे हुए। तो ये इसका टेस्ट भी बहुत ही मज़े का है, क्योंकि उसका अलग है, इसका अलग है, दोनों ही फ्लेवर, दोनों ही टेस्ट बहुत ही मज़े के हैं। ज़रूर रेसिपी को बनाएं, इंजॉय करें इस ईद पर। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन को ज़रूर दबाएं ताकि नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। ये बिल्कुल फ्री है। और मुझे अपनी दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।